सो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें हम दो मेजर जो फीमेल्स को हाउसवाइफ को इश्यूज होते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं. एक तो है बच्चों को टिफिन में क्या देना है और दूसरा कि लेफ्ट ओवर चपातीज जो होती हैं उनको कैसे यूटिलाइज करें. सब मैं फ्राइंग पैन को ऑन कर रही हूँ. इसमें वी यूज ऑयल, एनी ऑयल इज गुड. जरूरी नहीं है कि राइस ब्रैन या कुछ यूज करें. आपके घर में जो कंफर्टेबली कुकिंग शुड बी नो कंफर्ट. आपको ऐसा नहीं कि हर इंग्रेडिएंट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. गो ऑन योर इंट्यूशन. घर में जो पसंद करते हैं वो यूज करें. वी प्रेफर टू बाय लोकल क्योंकि लोकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो फ्रेश होते हैं. तो ना ज्यादा इम्पोर्टेड और वो सारा सामान ना अवॉइड करना चाहिए. बॉक्स पैकिंग कम से कम एक्सेप्ट फॉर पीसीएम मसाले. एंड पीसीएम इज लोकल एटलीस्ट इन जयपुर. सो वी यूज अनियंस. इसमें आप ना कोई सी भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं जो भी आपके बच्चों को या तो पसंद है या फिर डिजाइन में कुछ देना हो एंड थोड़ा सा कलरफुल हो तो अच्छा लगता है. सो वी आर यूजिंग येलो पेपर्स. कितना कुछ करते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए. जो चीज दिखने में अच्छी होती है ना वो खाने में भी उनका मन करेगा चलो अच्छी है. थोड़ी सी ग्रीन पेपर्स. अब इनको हम थोड़ा सा सौते करेंगे. हल्का सा ही करेंगे. इनका क्रंच जो है वो रहना चाहिए. मुलायम मुलायम रोटी में क्रंची क्रंची पत्तियां पनीर है ना मुलायम साथ में. तो इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड करेंगे. हम शायद हम ही खा लेंगे इसलिए हम ग्रीन चिली करते हैं. बच्चों के लिए आप अवॉइड भी कर सकते हैं. ये हो गया. अब इसमें हम ये है पीसीएम की गार्लिक चटनी. ये पाउडर है तो आप इसको गार्लिक चटनी की तरह तो काम ले सकते हैं. हम इसको स्पाइस की तरह काम में ले रहे हैं. चटनी के लिए आपको इसको बस पानी में मिलाना है. कच्चा यूज करना चाहे कच्चा करें तेल में छौंक मार लें तो भी बहुत टेस्टी बनेगा. ये स्पाइसी है तो फर्स्ट टाइम जब यूज करें वेजिटेबल में तब इसको टेस्ट करके और फिर आप अपना इसका स्पाइस लेवल बढ़ा सकते हैं. हल्का सा इसको सेक लिया और अब हम इसमें डालेंगे ऐसे कटे हुए पनीर. आप चाहे तो बारीक भी चॉप कर सकते हैं. क्या खुशबू आ रही गार्लिक की. अब इसमें पनीर अच्छे से रोस्ट हो जाएगा. पनीर को हम ज्यादा कुक नहीं करेंगे. इसको हमने गैस बंद कर दी एंड आवर फिलिंग इज रेडी. अब मैं इसमें लास्ट में पीसीएम का पीरो सॉस डालना चाहूंगी. इससे बहुत अच्छा टैंगी फ्लेवर आएगा. इसमें हल्का सा स्पाइस भी और टैंग भी. हर चीज को हम चटपटा बना लेंगे पीरो डाल के. अब इसमें हमने नमक इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हम जब रैप बनाएंगे उसमें थोड़ा चीज भी डालेंगे और नमक डालने से सब्जियां थोड़ा पानी छोड़ देती हैं. तो अगर हम बच्चों को टिफिन में दे रहे हैं तो उसमें ये चीज मतलब कि रोल बहुत सॉगी हो जाएगा. तो इसलिए चीज डाल के एंड चीज लिमिट में हो तो हेल्दी होती है. तो इसलिए लेट्स मेक अ रोल नाउ. सो अब हम अपना रोल बनाएंगे. सो दीज आर लेफ्ट ओवर चपातीस. तो फॉइल के ऊपर एक चपाती रख के ये हमारी जो फिलिंग थी हम इसको उस पर सेट करेंगे. थोड़ी सी मैं इस पर वेजी डालूंगी. ठीक है. अब हम इस पर चीज डालेंगे. चीज से हर चीज टेस्टी लगती है. हाँ और चीज डालो तो बच्चे खा भी लेंगे शायद. वरना मैक्सिमम मदर्स की होती है कि बच्चे टिफिन नहीं खाते तो थोड़ा सा उसको एक्साइटिंग बनाना पड़ेगा. अच्छा वो सारी ट्रेनिंग मिल रखी है मेरे बेटे को. तो अब हम इसको रोल बना देंगे. एंड ये रहा फॉइल. हम इसमें इसको रैप कर देंगे. ये हो गया हमारा रैप. नाउ इसको ये हम रोल को कट किया. ये देखिए अंदर से ऐसे दिखा है. सो टिफिन में पैक करना है तो ये रहा टिफिन. इसमें हमने एक रोल रखा. हमेशा टिफिन में कुछ फ्रूट ऐड करना चाहिए. नॉट जूस बट फ्रूट. ये हमने एप्पल्स रखी बिकॉज इट्स गुड फॉर देम. और अब यस एप्पल हो गई. अपना मेन ब्रेकफास्ट हो गया. और
ये हमने टिफिन को पैक कर दिया। तो आई थिंक बच्चों के अलावा सारे हस्बैंड भी ले जाना पसंद करेंगे, सारी वर्किंग लेडीज भी ये ले जाना पसंद करेंगी, और ये हमारा टिफिन बंद हो गया है।